आपकी स्क्रीन। सही, सर ये बिल्कुल ये वाला डिव इसके नीचे कैसा है, समझ नहीं आ रहा। ये वाला डिव इसके नीचे ऐसे आएगा, अच्छा अच्छा ये हीरो लेफ्ट है और हीरो राइट है, ऐसा है ये, ना? जी, बिल्कुल। अच्छा, ये असल में जो हीरो सेक्शन है ना, वो बनेगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है? ये डिस्प्ले फ्लैक्स बना हुआ है, जो लाइन नंबर 6 में आपने लगाया हुआ है, डिस्प्ले फ्लैक्स है ये। अच्छा, इसी में आप लगाएंगे वो रैप। फ्लेक्स हाँ, रैप यस यस, रैप, फ्लैक्स रैप। हाँ, तो अब क्या होगा कि जैसे ही जगह कम होगी ना, वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। लेकिन इसको परसेंट में वो दी हुई है विड्थ, जैसे ये नीचे दोनों। ये परसेंट में विर्थ आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि परसेंट में विर्थ जो होती है वो कभी जगह कमी नहीं होती उसकी। विर्थ बिल्कुल ही हटा दें थोड़ी देर के लिए, इसको विर्थ को ना आप कमेंट कर दें, कमेंट कर दें। आप ज़रा इसको चला कर देखें। अच्छा, तो ये शुरू में ही ठंडा हो गया ना, शुरू में ही ठंडा हो गया ये। हाँ, अब आपको विर्थ इसकी देनी पड़ेगी। एक बात लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आई इसकी, वो बात ये है कि जब आप इसको हीरो सेक्शन जो है आपका लाइन नंबर 6 में जो आपने लगाया है, इसको जब जी, आपने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, तो इन दोनों को तो साइड बाय साइड आना चाहिए, वो नीचे कैसे जा रहा है? नहीं सर वो ज्यादा विड्थ दे रही थी ना उसको। अच्छा, चलो वेट थोड़ी कम करके देखो। सही है, सही है सर। लेकिन ये सेंटर में, सेंटर में भी करना पड़ेगा इसको, कर लो सेंटर में। लाइन आइटम है सर। अलाइन आइटम नहीं, ऊपर जाओगे तुम जो उसको बोलोगे जस्टिफाई, पेरेंट को ना जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन नहीं करो इसको, इसको करो स्पेस अराउंड। ये तीन चार इसमें स्कीम होती है, देख लेना कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट है, वो कर लेना। ये नेटलीफाई वाले पे ये इमेज दिख रही है, और ये जीएच पेजेस पे जब आपने होस्ट किया तो ये इमेज नहीं दिख रही है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आके ना। अच्छा, ये फॉन्स डॉट जेपीजी जो इमेज थी ना आपकी, ये देखें पेज लोड होते हुए ना, ये इमेज लोड ही नहीं हो पाई है। ये इमेज लोड अब क्यों नहीं हो पाई है, इसका जो यूआरएल है image/fawn.png। अब आपके हम गिटहब में देखते हैं ज़रा कि वो कहाँ पे आपने रखी हुई है ये इमेज। इमेज fawn.png। अच्छा, बाकी वाली सारी हो रही हैं इमेजेस, राइट? मतलब जैसे ये बिल्कुल partner.bg है, ये कौन सी इमेज है? बिल्कुल हाँ, ये इमेज डिस्प्ले हो रही है, तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? जो इसमें लगा हुआ है image/fawn.png, और इसमें लगा हुआ है image/this-this-this। ओके, गॉट इट। ये आपने जो मिस्टेक की है ये मेरे समझ आ गया, आपने डॉट स्लैश नहीं लगाया ना इमेज में, क्योंकि ये लिनक्स का एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें डॉट स्लैश मैटर करता है। ओके। सिर्फ स्लैश और डॉट स्लैश इज़ अ टू डिफरेंट थिंग ना। ये रहा, यहाँ पे आपने ना डॉट स्लैश नहीं लगाया, जबकि बाकी जगहों पे जहाँ पे वो शो हो रहा है इमेज, उसका क्या नाम था दूसरे इमेज का जो शो हो रहा था, जैसे हीरो बीजी है जो, ये हीरो बीजी की स्पेलिंग यही थी, hero-bg। अच्छा, ये तो इसमें आ रहा नहीं है, आई थिंक शायद दूसरे पेज में है ये, हाँ HERO। वो, हाँ वो उसमें होगा स्टैंड पेज में, सॉरी CSS पे। हाँ अच्छा, क्योंकि बैकग्राउंड है तो वो CSS में होगा। ओके ओके ओके, हम कोई दूसरा देख लेते हैं, जैसे ये वाला है, ये भी तो शो हो रहा है ना, हाँ ये सिटी तो टाइटल। ES होगा।
मगर नहीं, वो एक लिंक है सर। हाँ, ये और इमेज आपने एक लिंक पूरा है। पूरा यूआरएल दिया है, आपने ये हाँ पूरा यूआरएल दिया है, तो मैं काम करता हूँ, बल्कि मैं नहीं, ये आपको करना होगा कि आप ना अपनी स्क्रीन शेयर करें और इसमें डॉट स्लैश लगा के उसको अपलोड करें ज़रा दोबारा। अच्छा, जहाँ जहाँ आपने डॉट राइट। स्लैश लगाया ना वो सही डिस्प्ले होगा, वो मसला नहीं करेगा। अच्छा, इसमें ओके आप ठीक डिफरेंस भी देखें कि क्या डिफरेंस है ना, जहाँ पे आप है। लगाते हैं ना डॉट स्लैश, तो वो जो एग्जिस्टिंग यूआरएल यहाँ पे आ रहा है ना इधर, उसके आगे जो उसको ऐड करता है वो, सही है। जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है गिटहब डॉट आईओ फूड पांडा क्लोन लैंडिंग पेज, उसके बाद स्लैश, उसके बाद इमेज शुरू कर रहा है। डॉट स्लैश का मतलब ये होता है, स्लैश का मतलब क्या होता है, स्लैश का मतलब होता है कि जो बेस यूआरएल है आपका, सही है, इसके आगे से लगाया जाए उसको। तो अच्छा अब वो क्या करेगा, गिटहब डॉट आईओ और उसके बाद स्लैश इमेज स्लैश फोन, और इस पाथ पे ना ये इमेज मौजूद नहीं है, तो जस्ट आप इसको डॉट स्लैश करेंगे तो ये डिफरेंस जो है वो सेट हो जाएगा आपका। ठीक अच्छा, यहाँ पे इस वजह से ये चल जा रहा है नेटलीफाई, नेटलीफाई पे भी चलना नहीं चाहिए था इसको, लेकिन नेटलीफाई पे इस वजह से चल जा रहा है क्योंकि स्लैश के बाद ना इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो आप डॉट स्लैश लगाएं या सिर्फ स्लैश लगाएं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें, इस केस में। ओके यहाँ पे इसलिए फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्लैश के बाद इसका एक प्रॉपर एक नाम है ना, तो इसलिए इसमें अच्छा पता चल रहा है ये फ़र्क, सही है। तो सम टाइम हो सकता है नेटलीफाई में भी ये काम ना करे, कुछ सर्टेन सिचुएशन ऐसी बनेगी नेटलीफाई पे भी कि वहाँ पे भी फिर ये काम नहीं करेगा, सिर्फ स्लैश वाला। ओके, मैं अभी ट्राई कर लेता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या सर? हाँ, स्क्रीन शेयर करके आप अभी कर लें, फिर देखते हैं, उसको डिस्प्ले हो जाना चाहिए फ़ौरन। राइट, क्या नज़र आ रहे हैं? राइट, जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। आपके सेक्शन में, आपके सेक्शन के एमएलएस ऑफिस। अच्छा भाइयों, इतनी देर में जो है ना, बाकी लोगों ने भी अगर कुछ बनाया तो वो भी शेयर कर दें ताकि हम देख लें कि क्या बनाया आपने। जी पुश हो गया सर। पहले तो अपनी रिपोजिटरी में जाओ ना, वहाँ पे एक्शन देखो रन हो रहे होते हैं, वो कंप्लीट होगा फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होगी चेंजेस, सही है, वरना यहाँ रिफ्रेश करते रहोगे ना पता नहीं चलेगा कि हो गया या नहीं हो गया। एक्शंस पेजेस पे ना, ये तो एक बार चल जाता है ना, एक्शन में जाओ। हाँ, हाँ ये चला रहे हैं ना इसको, ओके तो यूआरएल तो चेंज नहीं होता, वो तो वही रहेगा। इसके इस पे क्लिक कर दो, इसके अंदर चले जाओ, क्या बिल्ड पे डिप्लॉय हो गया ये। हाँ अब आपको जो है ना जाके इसके, अच्छा ये ओके गूगल क्रोम का फीचर होता है कि गूगल क्रोम ना कैशे कर लेता है चीज़ों को, तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलें ज़रा। रिफ्रेश कर लिया सर। अच्छा चल, रिफ्रेश पे चल गया, गुड, सही है। राइट, अभी इसका मोबाइल रिस्पॉन्स है, एक बार चेक कर लूँ। हाँ, मोबाइल रिस्पॉन्स भी सही है। वेल डन यार, बड़ा अच्छा बनाया आपने, आसान। थैंक यू सर।
पोर्टफोलियो में भी मैं लगा दिया, एटलीस्ट ये प्रैक्टिस हो रहा है हर दिन। अच्छा, हम मोहम्मद अदनान ने भी ये बनाया है, सीवी इन्होंने बनाई है, और सही है, मतलब पोजीशनिंग सही कर ली इन्होंने भी। अच्छा मोहम्मद अदनान, एक फीडबैक आपको मैं देना चाहूँगा, इसमें ना फ्लैक्स रैप लगा दीजिएगा, ताकि जब स्क्रीन छोटी हो ना, तो ये जो आपके टोटल 6 सेक्शन है ना, ऊपर 3 है और नीचे 3 है, ये टोटल 6 सेक्शंस जो हैं आपके, वो एक दूसरे के नीचे आ जाए ना, तो फ्लैक्स रैप इस पर लगाने से आपको ये बेनिफिट होगा। सही, अभी ये जब स्क्रीन छोटी होती है ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर वो हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं ये। ठीक है, अच्छा, तो अब आपका ये वाला मसला ना हल हो गया। अब आप लोग जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं इस क्लास में, और आपने अगर ये असाइनमेंट बना लिया है जो मैंने क्लास में बनाकर दिखाया था आपको, या कोई ऐसी वेबसाइट उठा के उसको आपने कॉपी करने की कोशिश की है फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए, तो अब आप ना HTML के ज़रिए एक वेबसाइट का एक पेज बना सकते हैं, इसको वेब पेज कहते हैं, वो आप पेज बनाने के काबिल हो गए हैं। अच्छा, और उस वेब पेज को बना के फिर CSS के ज़रिए उसमें स्टाइलिंग, कलर्स वगैरह ये लगाने के काबिल हो गए हैं आप, और फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए उसकी पोजीशनिंग आप कर सकते हैं, अब लेआउट उसका अच्छा बना सकते हैं कि किसी चीज़ को आपको उस कोने पे लगाना है, किसी को इस कोने पे लगाना है, तो ये चीज़ें आप सीख गए। तो ये 3 चीज़ें सीखने के बाद ना आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। ठीक है, आप फाइवर पे जाके गिग बना दें कि भाई आई विल डिज़ाइन वेब पेजेस। ठीक है, तो सिंपल वाले वेब पेजेस जो हैं वो आप बनाने के काबिल हो गए। ठीक है, अब इट डिपेंड्स कि वो आप उसकी प्रैक्टिस मज़ीद कितनी करते हैं, तो उससे आप परफेक्शन की तरफ जाते जाएंगे। तो 3 क्लास हुई है अभी हमारी, या गालबन 3 या 4 क्लास हुई है, तो इन 3 4 क्लासों में आपको मैंने ये तो पहली चीज़ सिखा दी, जिससे आप ना फ़ौरन पैसे कमाने के काबिल हो गए। अच्छा, अब हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अब हम शुरू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है HTML और CSS और ये लेआउट तो हो गया, लेकिन वेबसाइट के ऊपर जब किसी चीज़ पे क्लिक होता है, तो उसके ऊपर जो भी काम हो रहा होता है वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको उसमें ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते कि क्लिक होने पे आप कुछ काम करवाएं। ठीक है, जितनी भी लॉजिक्स उसके अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं, मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारी ऐप्स देखी होंगी कि भाई बर्थडे कैलकुलेटर, या छोटे छोटे मोटे कन्वर्टर्स होते हैं जो ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन कन्वर्जन के ऐप्स होती हैं जो, तो वो सारी ऐप्स जो होती हैं वो जावास्क्रिप्ट की आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अभी मैं इसको ना टाइम जोन कन्वर्टर, मेरी स्क्रीन रिज्यूम प्रेजेंटिंग, अब देखिए मैंने गूगल पे जाके लिखा टाइम जोन कन्वर्टर, राइट, तो ये मेरे पास ना एक लिंक आ गया है टाइम जोन कन्वर्टर का। अब यहाँ पे ना मैं कुछ टाइम जोन लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कराची, ठीक है, और कराची को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें करना है, अरे भाई कन्वर्टर चाहिए था, क्या लिख दिया इसने, पता नहीं क्या खोल दिया, बैक करते हैं 1 मिनट। टाइम जोन कन्वर्टर, अब इसमें कन्वर्ट होगा कैसे, वेल चलो कोई दूसरा निकालते हैं, कोई दूसरा कन्वर्टर देखते हैं, ये अजीब सा है थोड़ा, डिफ़ॉल्ट टाइम जोन कन्वर्टर, अच्छा ये आ गया ना, सही देखो। अच्छा, लोकल टाइम का मतलब है कि मेरे पास जो टाइम हो रहा है इस वक्त, 5:30 PM मेरे पास इस वक्त हो रहा है। अच्छा, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है मिसाल के तौर पे कनाडा के टाइम में, सही है, कनाडा के टोरंटो के टाइम में मुझे कन्वर्ट करना है, तो देखो इसने बता दिया मुझे कि 8:30 वहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ये एक लॉजिक परफॉर्म हो रही है ना, कुछ प्लस माइनस कैलकुलेशंस हो रही हैं, ये बग़ैर जावास्क्रिप्ट के आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ये सिर्फ HTML CSS के ज़रिए काम ये नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हम कोई और छोटा मोटा, कोई और छोटी मोटी ऐप देखते हैं,
जैसे कि चैट एप्लीकेशन होती है, जो जैसे कि इस तरह की कोई चैट एप्लीकेशन जो है, असल में हम इसी तरह का कुछ बनाने लगे हैं इसको एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। अब जैसे मैंने ये हाई लिख के ना एंटर किया, तो आप देखें हाई लिख के एंटर करने से ना ये यहाँ पे जाके शो हो गया, ठीक है। अब जाहिर है ये मुझे कोई जवाब भी देगा आगे से, वेलकम टू B&B ब्रेकफास्ट एंड बारबेक्यू, इसने मुझे जवाब देना शुरू कर दिया, राइट। तो ये जो इसने जवाब दिया है, ये कुछ ना कुछ सोच के कुछ समझ के इसने जवाब दिया है, ठीक है। या अगर दो लोग आपस में चैट कर रहे हैं फेसबुक पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो चैट हो रही होती है ना, उसके अंदर प्रोग्रामिंग एक लाजमी हिस्सा है उसका। क्योंकि जब आप कुछ भी लिख के सेंड का बटन दबाते हैं, तो उस बटन दबाने पे पीछे क्या काम करना है, ये हमें कंप्यूटर को समझाना पड़ता है, कंप्यूटर को ये बात सिखानी पड़ती है। और कंप्यूटर को कोई भी बात सिखाने के लिए आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे एक इंसान को जब आप कोई बात समझाते हैं, तो उसको समझाने के लिए भी आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जो वो बंदा समझता हो। अच्छा, तो कंप्यूटर को भी ना हमें जब बात समझानी होती है, तो क्या कहते हैं, हमें ना लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता हो। अच्छा, कंप्यूटर समझता है प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेजेस, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जावास्क्रिप्ट है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है, और सबसे फेमस है, ठीक है। तो हम इसलिए जावास्क्रिप्ट इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो हम आज क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का जो है ना, हम हेलो वर्ल्ड बनाते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो मैंने वो किधर बनाया था फोल्डर, क्लास, अच्छा दोबारा से क्लोन कर लेता हूँ मैं github.com से। अच्छा, मैं github.com पे गया और मैं अपनी प्रोफाइल में गया, ठीक है, ये मैं अपनी प्रोफाइल में आ गया, रिपॉजिटरीज़ में गया, यहाँ पे वो तमाम रिपॉजिटरीज़ मौजूद हैं जो मैं, अच्छा यहाँ पे ये आपका जो रिपॉजिटरी का कोड है वो ये batch3 के नाम से यहाँ पे मौजूद है, तो मैंने batch3 को क्लिक किया, और ये वो कोड है जो अभी तक हम लिख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को क्लोन करके इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। अच्छा, इसको क्लोन करने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने पास एक फ़ोल्डर में, और मैं कहता हूँ गेट क्लोन और पेस्ट, सही है जी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, क्लोन होकर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा CD AI चैटबॉट batch3, ठीक है, और कोड स्पेस डॉट, दैट्स इट। अच्छा, इसको अब मैं कर देता हूँ बंद। सर, क्लास में जो प्रोजेक्ट दिया था वो चेक नहीं करेंगे, वो तो मैं चेक कर चुका हूँ शुरू में, दो लोगों ने ही मुझे दिखाया सर प्रोजेक्ट, आपने अगर दिखाना है तो आप प्लीज़ दिखा दें, देख लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दानी अब्बासी कह रहे हैं कि सर क्लास की रिकॉर्डिंग डाउनलोड नहीं हो रही, यार ये तो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया हुआ, तो यूट्यूब से देख लीजिएगा फिर आप। बाय द वे, अब डाउनलोड करने की वो ज़रूरत नहीं होती ना, यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है तो वो सबसे फास्ट चलता है, मतलब वो बफरिंग वफरिंग वाला दौर तो चला गया ना, बहुत पुरानी बात हो गई वो, तो अब तो आप डायरेक्ट उसको खोलें, डायरेक्ट देखें, दैट्स इट। या अगर स्टिल आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत है तो आप वो गूगल कर लीजिएगा कि यूट्यूब से कैसे डाउनलोड होता है, ठीक है। बाकी मैंने तो वो जिस तरह नॉर्मली करते हैं उसी तरह ही मैंने अपलोड किया हुआ सर। मे बी लाइट इशू, यार लाइट का भी ना इशू अब है नहीं, अब इसलिए नहीं है लाइट का इशू कि आपके पास जो वो राउटर होता है ना घर पे, उसके साथ एक पावर बैंक उसका आ गया आजकल, तो वो पावर बैंक आप लगा लें उसके अंदर, तो आपका लाइट चली भी जाए तो आपका इंटरनेट चलता रहेगा, ठीक है। दूसरा, ये लैपटॉप की बैटरी 1.5-2 घंटे तो चली जाती है, सही, अगर 1 घंटे भी चलती है तो आप उतनी क्लास तो आप अटेंड करें ना, बाकी फिर देखेंगे बाद में, बाकी रिकॉर्डिंग में देख लें आप। अच्छा, तो ये मैंने लास्ट वाला कोड जो है वो क्लोन कर लिया है, और क्लोन करने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का मैंने हेलो वर्ल्ड बनाना है।